नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या किसी राज्य की विधानसभा में कोई कमरा नमाज अता करने के लिए आवंटित किया जा सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि झारखंड विधानसभा में ऐसा किया गया है और इसको लेकर के हो गया है हंगामा। जी हाँ, पूरा मसला कुछ इस तरीके से है कि झारखंड विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया गया TW-348, और इसमें जो वहाँ के कर्मचारी हैं या कोई विधायक पहुँचता है तो नमाज अता करने के लिए इसे दिया गया है। बीजेपी को इस पे ऑब्जेक्शन है। उसका कहना है कि फिर तो यहाँ पे मंदिर भी बनना चाहिए और पूजा करने का भी अधिकार होना चाहिए। क्या बहुसंख्यक वर्ग सिर्फ इसलिए अधिकारों से वंचित रह जाएंगे क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं? अब ये रांची से बीजेपी के विधायक हैं CP सिंह। पहले उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद उनके पार्टी के मुख्य सचेतक ने इस सवाल को उठा दिया और कहा कि ये मामला यहीं पे शांत होने वाला नहीं है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है इसे नहीं चलने दिया जाएगा। अब उधर से क्या हुआ कि JMM के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने करारा जवाब दिया। उनका कहना है कि ये क्या पहली बार हो रहा है, इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था। यदि 5 वक्त के नमाजी विधानसभा के कर्मचारी हैं या कोई विधायक आता है और कोई कमरा ये दिया जाता है कि इसमें आप नमाज कर सकते हैं, तो क्या ये उनको आवंटन हो गया? बिल्कुल आवंटित नहीं किया गया है। और यदि इसको आवंटन आप मानते हैं तो फिर ऐसा पहले भी होता रहा है, तो फिर ये पहले राजनीति क्यों नहीं हुई? अब कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती? कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ कहना था। तो उन्हीं के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शमशेर आलम, उन्होंने भी यही सवाल ताका और कहा कि बीजेपी के जी में कोई काम नहीं, वो जानबूझ करके धार्मिक उन्माद बढ़ाती है, लोगों को भड़काती है ताकि जो है अपने हिसाब से हवा को मोड़ा जा सके। अब इसके आगे की बात सुनिए। चूँकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और उसकी सरगर्मी शुरू हो गई है, इसलिए अब ऐसे मामलों को जो है तुल दिया जाएगा। अब 5 राज्यों कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है। अगले साल के शुरू में ही इन 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली के लिए रास्ता देता है। लिया जाए उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से ही अपने सारे साधन छोड़ दिए, नेताओं को मैदान में उतार दिया, मंत्री को मैदान में उतार दिया, हर हाल में जीतना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इसको ध्यान से सोचिएगा कि ऐसी चीज़ें या ऐसी सुविधाएँ किसी वर्ग विशेष को दे करके क्या दूसरा पक्ष तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है? और इसके खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो क्या वो अपना बहुसंख्यक वर्ग की राजनीति नहीं कर रहा है? इसके चारों तरफ इर्द गिर्द राजनीति ही तो है। यदि राजनीति नहीं होती और निष्पक्ष ढंग से कुछ भी किया जाता तो फिर क्या कहने। राजनीति ही तो है जो किसी भी मामले को तूल देती है और हर हाल में, चाहे मौत ही क्यों ना हो, उसमें अपना नफा और नुकसान देखती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।